नमस्कार दोस्तों, शो ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अनबॉक्सिंग करी थी गोरिल्ला सुपर ग्लू की, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सुपर ग्लू शूज़ के ऊपर कैसे काम करेगी और कितने देर में ये शूज़ को फिक्स करके दिखाएगी। तो मैं भी पहली बार इसके ऊपर अप्लाई करूँगा और क्या इम्पैक्ट रहता है इस ग्लू का, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मेरे पास जो है वो ये है शूज़ मेरे, और शूज़ मेरे पास है और ये है गम। तो चलिए आइए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, मैंने ये वाली जो जगह थी बिल्कुल साफ़ कर ली है सूखे कपड़े से। और जब आप ग्लू लगा रहे हैं तो इसको, ये वाला जो पार्ट है जहाँ से, जहाँ पे आपने ग्लू लगानी है वहाँ पे गीला ना हो, ये आप सुनिश्चित कर लें। और एक अच्छे कपड़े से इसको साफ़ कर लीजिए ताकि जो मिट्टी वगैरह है अगर वो निकल जाएगी तो बिल्कुल ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। तो ये आप पहले कर लें ग्लू लगाने से पहले के स्टेप ये। और बिल्कुल सूखा होना चाहिए जूता। तो चलिए आइए आपको दिखाता हूँ मैं कैसे इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। तो देखिए दोस्तों, परचेजिंग के टाइम पे ही ग्लू इतनी सी है, ये पूरा बोतल नहीं भरा होता, ये 15 ग्राम के हिसाब से ये ग्लू आई होती है। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन करा तो देखिए इसके अंदर एक नोज लगी होती है, इसके अंदर आप बारीकी से देखोगे तो इसके अंदर एक नोज लगी होती है ऑलरेडी, मतलब इसके अंदर सुई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप, ये जो नोज है ये अपने आप इसमें लगी होती है ऑलरेडी। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है रबड़ का, मैं यहाँ पे ग्लू लगाऊंगा और बाद में ऐसे प्रेस कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको ग्लू को निकालना है। और जहाँ जहाँ रबड़ है वहाँ पे इसको लगाना है। अच्छे से लगा लीजिए इसको, क्योंकि एक बार जब फिक्स हो जाएगी तो दोबारा ये, मुझे नहीं लगता कि ये टूट के ही निकलेगी। तो एक बार अच्छे से इसको चिपका लीजिए ग्लू को। तो थोड़ी थोड़ी स्मेल इसकी फेविक्विक की तरह है, बट फेविक्विक नहीं है ये। अब देखिए ये ग्लू लगा ली है, अब आपको इसको ऐसे प्रेस कर देना है। मैं भी इसको 10 से लेकर 45 सेकंड तक आपको इसको दबा के रखना है। तो बिल्कुल आपके सामने ही मैं इसको छोड़ूंगा कितने सेकंड में। ये जैसा कि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है 10 से लेकर 45 सेकंड के बीच में ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है। बट मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि 10 से लेकर 45 सेकंड का टाइम ज़रूर दिया हुआ है, अगर आप इसको 24 घंटे का रेस्ट देंगे, उस दिन जूते नहीं डालेंगे, तो ये बिल्कुल प्रॉपर फिक्स हो जाएगा, कभी इसको टूटने की नौबत नहीं आएगी, ऐसा बताया गया है। तो मैं भी इसके ऊपर अभी अप्लाई करके देख रहा हूँ। तो वैसे तो टाइम
10 सेकंड का बताया हुआ है, फिर भी आपको कम से कम 1 मिनट तक इसको दबा के रखिए। इसकी स्मेल थोड़ी फेविक्विक की तरह है, बट फेविक्विक में क्या होता है कि ये जो फेविक्विक है वो चीज़ों को जला देती है। जब मैंने इसको परचेज़ करा था इसमें यही चीज़ लिखी थी कि ये जो है ये जलाएगा नहीं। देखिए दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मैंने वीडियो को पॉज रखा था, तो ये ग्रूव बिल्कुल फिक्स हो चुका है। ये जो मेरा इतना पार्ट निकला हुआ था बिल्कुल फिक्स है ये। बट जैसे ना इसको 24 आवर में क्यूर होने में टाइम लगता है, जैसे वैसे तो टाइम इसका 10 सेकंड में ये चिपका देता है इसको, पर अगर आप इसको 1 दिन ना डालेंगे तो ये 100% श्योर है कि ये कभी जूता यहाँ से टूटेगा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से ये चिपका है इस हिसाब से लगता नहीं है कि ये जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये यहाँ से निकलेगा नहीं। तो अभी इसका जो रिमेनिंग पार्ट और है जहाँ जहाँ पे ये निकला हुआ है वहाँ पे भी मैं इसको ग्लू गम लगाऊंगा। तो ये सालोमोन का शूज़ है, ये जो है सोल रबड़ का है, तो रबड़ प्लास्टिक इत्यादि के लिए काफ़ी अच्छा है। और थोड़ा सा यहाँ से भी निकला हुआ है, यहाँ से भी मैं इसको लगाऊंगा। और देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ से निकला हुआ है वहाँ वहाँ ये ग्लू ऐसे लगा देना है। और इसको ऐसे प्रेस कर देना दोस्तों, 1 मिनट तक प्रेस करके रखिए। टाइम तो वैसे 10 सेकंड बताया हुआ है, बट थोड़ा अगर 1 मिनट तक आप इसको दबाए रखेंगे तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा ये, कोई चांस नहीं है इसके कि उसके बाद ये ग्लू चिपके ना, क्योंकि इसने रबड़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपका दिया है। देखिए बिल्कुल सूख चुका है दोस्तों, ये बिल्कुल सूख चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सूज बिल्कुल फिक्स हो गया हुआ है, मतलब जो सोल यहाँ से निकला हुआ था ये बिल्कुल फिक्स है। और मैं इसको आज के दिन नहीं डालूँगा, तो 1 दिन का इसको टाइम दीजिए, बिल्कुल क्योर होने में 24 आवर लेता है। बट अगर आप देख रहे हैं तो ये जूता बिल्कुल फिक्स हो गया हुआ है, कोई चांसेस नहीं है कि यहाँ से ये निकलेगा, क्योंकि इसने बिल्कुल अच्छे तरीके से ये फिक्स कर दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा ये ग्लू है शूज़ के लिए, गोरिल्ला गोरिल्ला सुपर ग्लू, रबड़ और लेदर के लिए काफ़ी अच्छा है ये। देखिए बिल्कुल फिक्स हो चुका है ये। और दूसरा मैंने इधर लगाया है तो ये बिल्कुल फिक्स है।
और इसी तरह मैं जहाँ जहाँ से मेरे को लगता है वहाँ वहाँ ये ग्लू मैं लगा दूँगा ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। इसके अलावा दूसरे शू का भी यहाँ पे भी मैं इसको लगाऊँगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लगाना है इसको। थोड़ी देर के लिए इसको फिक्स करके रखना है। दोस्तों सोलोमोन का जूता जहाँ जहाँ से सोल निकल रहा था वो मैंने पूरा फिक्स कर दिया दोस्तों। और देखिए बिल्कुल फिक्स हो गया है शूज़ और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल फिक्स हो गए हैं और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिक्स हुए हैं शूज़। अब ये शूज जब तक फटेंगे नहीं तब तक ये वाली ग्लू यहाँ से नहीं निकलेगी ऐसा लग रहा है। बाकी ये वाटरप्रूफ है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पानी लग जाएगा तो निकल जाएगा। तो जब मैंने परचेजिंग करने से पहले भी इसको कंफर्म करा था कि वाटरप्रूफ है, मतलब पानी लगने के बाद भी ये ग्लू निकलने वाली नहीं है। और देखिए बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं मेरे ये जूते। ये एक धागा सा है वो बाहर ही रह गया है तो ये बिल्कुल हार्ड हो गया दोस्तों ग्लू लगने के बाद। और देखिए बिल्कुल प्रॉपर फिक्स हो गया ये शूज़। आपको जूम करके नज़दीक से दिखा देता हूँ, बिल्कुल फिक्स। देखिए अब है मेरे पास ये लेदर का शू और ये इसका निकल गया था ये वाली हड्डी। तो ये वाला शूज़ ली कॉपर का है और इसको भी मैं चिपकाऊंगा इससे। तो यहाँ यहाँ हर जगह ग्लू लगा दूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसके अंदर भी। तो आपको दिखाता हूँ दोस्तों मैं। सब पूरा आना चाहिए ठीक है, पूरा ही आ रहा है। आरंसन आना चाहिए इसमें ठीक है। हाँ देखते रहना ठीक है, लगाना देखते रहना। दोस्तों 2 सेकंड तक बताया गया है इंस्ट्रक्शन में, बट आप इसको 1 मिनट तक दबाए रखेंगे तो बिल्कुल और भी पक्का हो जाएगा ये।
देखिए दोस्तों, अभी इसको मैंने दबाए रखा है, तो देखिए ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। फिर भी इसको मैं थोड़ा और पक्का कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल फिक्स हो गया ये। तो फाइनली दोस्तों जूते रेडी है बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये हड्डी बिल्कुल फिक्स हो गई है, ऐसा नहीं है कि कच्ची है ये। देखिए 10 मिनट में ये बिल्कुल फिक्स हो गई है। और देखिए ये वाले जूते बिल्कुल ही फिक्स है, ये गम काफ़ी अच्छा बिल्कुल चिपका देती है जूतों को। तो देखिए 10 मिनट में ही, 10 सेकंड में ही ये जूते बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। बट आप इसको डाल के अभी भी चले जाएंगे तो नो डाउट ये यहाँ से टूटने वाले हैं। फिर भी मैं ये बोलूँगा कि एक दिन इसको ना डालें ताकि ये बिल्कुल प्रॉपर फिक्स हो जाएं और आगे आपको प्रॉब्लम ना दें। तो ये था दोस्तों रिव्यू इस गोरिल्ला सुपर ग्लू का। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों ये वाली गोरिल्ला सुपर ग्लू। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके भी इस तरह के सूज फट रहे हैं, कई बार क्या होता है कि सूज प्रॉपर फटते नहीं है बट साइड से सोल निकल जाता है, और कई बार क्या होता है कि हमारे जूते कॉस्टली होते हैं तो हम सोचते हैं कि सिलाई ना देके इसको सिर्फ एक ऐसा ग्लू मिले जो बिल्कुल फिक्स कर दे इसको। तो मेरे हिसाब से ये गोरिल्ला सुपर ग्लू काफ़ी अच्छी है, और ट्रेडिशनल ग्लू भी होती है जो जो मोची लोग यूज़ करते हैं, बट वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होती है, वो निकल जाती है, अगर पानी लग गया तो वो निकल जाएगी। तो ये इस ग्लू में ऐसा नहीं है कि पानी लगने के बाद ही निकल जाएगी, तो काफ़ी अच्छी ग्लू है ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं हर तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।